यानी कि डिजीज या बीमारी फैलने का डर था। और फिर उसने उन लोगों को ये कहा कि जितने भी लोग जख्मी हैं, जिनके कोई चोट लग गई है या इंजरी हो गई है, उनको भी हमें देखना होगा, उनकी मदद करनी होगी। ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। इट देन डिड नॉट रिटर्न। पांचवें दिन उनके शेल्टर के ऊपर से एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर निकला और उन्होंने शेल्टर के ऊपर कुछ फूड पार्सल्स गिर दिए। अब आपने भी कई बार देखा होगा, पास्ट में बहुत बार ऐसे हुआ है कई जगहों पर जहां पर फ्लड्स आ जाते हैं या फिर साइक्लोन से लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ, मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकला और उन्होंने कुछ फूड पार्सल्स उनके शेल्टर के ऊपर फेंक दिए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वॉटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। अब जितने भी यंग लोग थे शेल्टर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए और फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में लिटा दिया और उनके पेट के ऊपर ये खाली बर्तन रख दिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हेलीकॉप्टर है जो ऊपर से उड़कर निकलता है, उन्हें ये संदेश मिल सके, ये मैसेज मिल सके कि उन लोगों को खाना चाहिए, वो भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। इनका ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद जब भी हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकलता तो वो ऊपर से फूड और बेसिक नीड्स यानी कि बेसिक जरूरतों की जो चीजें होती हैं वो घेर देता था उनके शेल्टर पे, जिसकी मदद से वो लोग सर्वाइव कर पाए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफन्ड। ऑफन्ड मीन्स अ चाइल्ड हु लूजेस ईदर वन और बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स टू डेथ। ऐसे बच्चे जो कि बचपन में ही अपने एक या दोनों माँ बाप को खो देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑफन्स। ही ब्रॉट देम टूगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। वेमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम वाइल द मेन सिक्योर फूड एंड मटीरियल फॉर द शेल्टर। अब प्रशांत ने नोटिस किया कि साइक्लोन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। कई फैमिलीज के सिर्फ बच्चे बचे हैं, कईयों के सिर्फ विमेन बची हैं, कईयों के सिर्फ मेन बचे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे थे उसने उन सबको इकट्ठा किया, उन्हें एक पॉलिथीन शीट के शेल्टर में आसरा दिया। फिर उसने क्या किया, जितनी भी विमेन थी उनकी ड्यूटी लगा दी कि तुमने इन सब बच्चों का देखभाल करना है, और जितने भी आदमी थे उनको ये ड्यूटी लगा दी कि तुमने इन सब लोगों के लिए खाना और जरूरत की बाकी चीजें शेल्टर में लेकर आनी है। तो ऐसे प्रशांत ने क्या किया, इन सभी लोगों की एक कम्युनिटी बना दी। ऑल्दो ये सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जैसे कि अब ये शेल्टरलेस थे, होमलेस थे और इनकी फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उन्होंने इन सबको इकट्ठा करके एकजुट बना दिया। एज द वीक्स पास्ट प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स सैडनेस। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए प्रशांत ने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं शेल्टर में वो दुख में डूबते जा रहे हैं। ही पर्सुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स। व्हाट इज एन एनजीओ? एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है। अब प्रशांत का एम था कि शेल्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें इस दुख की स्टेट से बाहर निकालना है, तो उसने क्या किया, उसने इन लोगों को काम दिया। उसने सोचा कि अगर ये लोग खाली बैठे रहेंगे तो और ज्यादा सोचेंगे, इसलिए इन्हें कुछ काम दे देना चाहिए। जितनी भी विमेन थी उसने उन्हें कहा कि आपने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एनजीओ में काम करना है, और जितने भी बच्चे थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन।
प्रशांत को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। इसकी वजह से वो बच्चे बिजी हो गए, खेल में लग गए और वो अपने दुख से बाहर निकल पाए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। प्रशांत ने बाकी सब वॉलंटियर्स की मदद से जितने भी विडोज और जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उनकी मदद की ताकि वो अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रिजिस्टेड एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। स्टिग्मा मीन्स डिसग्रेस। पहले तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था कि वो अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना देंगे, लेकिन प्रशांत ने और उसके वॉलंटियर्स ने इस आइडिया को रिजिस्ट किया, इसको अपोज किया, इसका सामना किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ना तो बच्चे खुश रहेंगे ना ही ये विडोज खुश रहेंगी, क्योंकि बच्चों को किसी का प्यार नहीं मिलेगा और ये जो विडोज हैं ये भी अकेलेपन में जिएंगी। प्रशांत का ये आइडिया था कि इन्हें आपस में एक कर देना चाहिए, इनकी फैमिलीज बना देनी चाहिए, फॉस्टर फैमिलीज। तो प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। Foster family is a family that provides custody or guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them. जैसे हम कहते हैं guardianship. तो जिन बच्चों के parents मर चुके हैं उन्हें foster parents दे दिए गए। ऐसे parents जो कि उनके biological parents नहीं थे लेकिन उन्होंने उन बच्चों को adopt कर लिया अपने बच्चों की तरह। तो प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स के ग्रुप का यही मानना था कि इन अनाथ बच्चों को ऐसी फैमिलीज में सेटल करना उनके लिए बेटर है, और उन्होंने क्या किया कि ऐसी फैमिलीज बना दी जिसमें विधवाओं को ऐसे ऑफन बच्चे दे दिए ताकि उनकी फैमिलीज कंप्लीट हो सके। इट इज 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. Super cyclone ko aaye hue 6 mahine ho gaye, yani ke super cyclone ke 6 mahine ke baad ka kya scene hai, 6 months ke baad kya hua hai, ab प्रशांत की जो वूंडेड स्पिरिट है वो हील हो चुकी है, यानी कि प्रशांत का जो दुख है, प्रशांत का दुख क्या है कि उसका घर नष्ट हो गया, उसके भी फैमिली मेंबर्स ने इतना टॉर्चर सहा इस साइक्लोन की वजह से, लेकिन अब प्रशांत को कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसने जो अपना दुख है उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने अपना सारा फोकस बाकी दुखी लोगों की मदद करने में लगा दिया। और प्रशांत इतना हैंडसम है, इतना खुश है, गांव के जितने भी लोग हैं जो इस साइक्लोन से डिवेस्टेट हुए हैं, जिनकी फैमिलीज खत्म हो गई हैं, वो सब अपने दुख की घड़ी में प्रशांत को देखते हैं और इससे हिम्मत पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर प्रशांत इतनी हिम्मत कर सकता है, वो ऐसे हिम्मत रख के सब लोगों की मदद कर सकता है, तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और हमें भी इन मुश्किल के समय का सामना करना चाहिए। So this is the story of Prashant and how he faces the storm that had struck upon Irsama and